नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित। आज हम चर्चा कर रहे हैं पितृदोष लक्षण एवं उपाय पर। आज आपको बताएंगे कैसे जाने पितृदोष है या नहीं है, और अगर है तो उसका उपाय क्या है। ठीक, उससे पहले यदि आप गोपाल पंडित जी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनको आवश्यकता है, जिनको ज़रूरत है, उनके पास चैनल को शेयर करें। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे लक्षण। लक्षण अर्थात हमको पितृदोष है भी या नहीं। अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है हमको उपाय इत्यादि करने की। अगर पितृदोष है तो जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उनको आप करिए, उससे आपको बहुत राहत, बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ऐसा आप समझ लीजिए कि हमको बुखार आ रहा है, तो बुखार का हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेकअप कराएंगे तब दवा करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए बुखार आ रहा है और हम चेकअप नहीं कराएं, केवल दवा लेते जा रहे हैं, तो हमको एक दिन दो दिन के लिए तो आराम होगा, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं आराम होगा। पहले हमको जाँच कराना है कि चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है, वायरल फीवर है, जो भी है। अगर उसकी जांच हमको एकदम सही रिपोर्ट मिली, उसके अनुसार दवा करेंगे, थोड़े दिन में हम ठीक हो जाएंगे और बहुत दिन तक ठीक रहेंगे। ठीक, ये सिंपल साधारण सा सिस्टम होता है जानने का। तो उसी प्रकार से पितृदोष पहले जानिए है भी या नहीं, केवल उपाय करने लगे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, कैसे जाने पितृदोष है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग सबसे सरल जो तरीका है वो है पत्रिका, अर्थात कुंडली देख करके। अगर आपसे देखते नहीं बनता तो बढ़िया अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाइए, उनसे पता करिए कि आपको पितृदोष तो नहीं है, वो बताएंगे आपको। ठीक है, पितृदोष जानने का कुंडली में क्या तरीका है, तो कुंडली में चतुर्थ भाव दशम भाव, चतुर्थ भाव माता का, दशम भाव पिता का, यदि ये दोनों कमज़ोर होते हैं तो हमको पितृदोष होता है। कमज़ोर कैसे होंगे, यानी कि यहाँ पर गलत ग्रहों का प्रभाव, हमारे अनुरूप ग्रहों का प्रभाव ना होना, यही सब जो है चतुर्थ और दशम भाव का कमज़ोर होना। इसके साथ साथ सूर्य चंद्र का कमज़ोर होना। सूर्य भगवान जो है पिता के कारक होते हैं, चंद्रमा जो है माता के कारक होते हैं। सूर्य चंद्र यदि कमज़ोर हो गए तो आपको पितृदोष 100%। ठीक है, कैसे कमज़ोर होते हैं, सूर्य 6, 8, 12 इत्यादि स्थानों में बैठना, पापी ग्रहों से दृष्टि युक्त इत्यादि होना, अमावस्या का जन्म होना इत्यादि इत्यादि, ये कारण होते हैं सूर्य चंद्रमा कमज़ोर होने के। राहु से दृष्टि होना, राहु से युक्त होना, ऐसे व्यक्ति जीवन में जैसे ही होश संभालते हैं थोड़ा सा समझदारी आती है, इनके जीवन में इतना संघर्ष रहता है, इतना मेहनत रहती है, पूरा जीवन मेहनत करते बीतता है। सबसे सरल तरीका है ये। ठीक, संघर्ष बहुत रहता है ऐसे लोगों के जीवन में। अब आगे आपको बताएं और क्या तरीका है जानने के लिए, कैसे जान सकते हैं पितृदोष है भी या नहीं है। तो पितृदोष होता क्यों है, पहले ये समझ लीजिए। आज के समय सबसे ज़्यादा होने वाला दोष पितृदोष है। उसका कारण क्या है, हम हो या आप हो या कोई भी हो, हम सभी आज संस्कार के बंधन से बहुत दूर जा रहे हैं, नए नए आधुनिक युग में नए नए तरीकों में जा रहे हैं। उसके कारण हमारे माता पिता हमसे कई बार खिलाफ हो जाते हैं या हम उनसे खिलाफ हो जाते हैं। उसके कारण हमारे माता पिता को हमसे कष्ट होता है, वही कष्ट जो होता है पितृदोष के रूप में होता है। माता पिता की सेवा ना करना, उनसे दूर रहना, जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं, एक दंपत्ति थे पति पत्नी और बढ़िया सेटल हो गए विदेश में, उनके माता पिता यहाँ परेशान हैं, वो विदेश में रह रहे हैं, उनसे उनको कष्ट हुआ ना माता पिता को, यही तो पितृदोष का मेन कारण है। और पहले क्या होता था, माताओं की कुंडली में पितृदोष नहीं होता था, माता कोई भी स्त्री की कुंडली में पितृदोष नामक शब्द होता ही नहीं था। आज से लगभग 15 साल पहले अब होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए पितृदोष आपकी कुंडली में है, उस पितृदोष का आपको इफेक्ट भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर हाँ मिल रहा है तो माना जाएगा कि आपकी कुंडली में भी पितृदोष है। ऐसे कई कुंडलियों में जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि स्त्रियों की कुंडली में भी पितृदोष माना जाता है। कारण क्या है, कारण ये है, जैसे मान लीजिए हमारी पत्नी है, शादी होकर के आ गई, हमारी माँ से उसकी पटरी नहीं खा रही है, माँ को बार बार कष्ट दे रही, बार बार परेशान कर रही है, तो पितृदोष होना स्वाभाविक है। ठीक, और यह कितना अधिक मात्रा में हो रहा है इसको बताने की आवश्यकता आप सबको है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीका है जानने के पितृदोष है कि नहीं है। पितृदोष होने का एक बड़ा तरीका ये है कि आपके परिवार में किसी से किसी की पटरी ही नहीं खाएगी, किसी से मेल नहीं रहेगा मान लीजिए। लेकिन ये जानने का एक ही तरीका, ये नहीं, क्योंकि आज के समय किसी की किसी से नहीं पटरी खा रही है, मतलब किसी के किसी से मेल जोल हो नहीं पा रहा है। ठीक, भाई भाई में नहीं हो पा रहा है, दूर की बात क्या करें। तो उसका कारण ये है, जैसे मान लीजिए हम 4 भाई 5 भाई हैं और बढ़िया सब में अच्छी से बैठ रही है, एक दूसरे का खूब सम्मान करते हैं, बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं, खूब प्रेम मोहब्बत है, और अचानक से कुछ दिन में ही आपको 2-4 साल में ऐसा देखने के लिए मिले कि एकदम से लग रहा है कि महाभारत हो जाएगी,
ऐसे में माना जा सकता है कि आपके यहाँ पितृदोष हो सकता है। ठीक, इसके साथ साथ घर में बच्चों की शादी न होना भी एक पितृदोष का बड़ा कारण माना जाता है, लड़की लड़का दोनों की। ये नहीं कि लड़कियों की शादी हो जा रही, लड़कों केवल नहीं हो रहे तो पितृदोष, ऐसा नहीं, दोनों की फिर विवाह नहीं होंगे, दोनों के विवाह में विलंब होंगे। ठीक है, विवाह हो गए हैं जिनको, उनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, संतान ही नहीं हो रहे हैं, ये भी पितृदोष का एक कारण माना जाता है। इसके साथ साथ और कई भी उपाय हैं जो कि पितृदोष के कारण माने जाते हैं। हम आपको तरीका पहले बताएं पितृदोष ना हो कैसा क्या करें। इसके लिए सबसे पहले जो माताएं हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप रात्रि में आटा गूंथ करके उसको मत रखिए। अगर आप आटा गूंथ करके यानी कि आटा गीला करके रख दे रहे हैं कि सुबह बढ़िया बनाएंगे इसको, तो आपके यहाँ पितृदोष नहीं भी होगा तब भी आपको पितृदोष का ही मतलब समस्या मिलेगी। ठीक, क्योंकि आपने आटा रख दिया यानी पितरों को आप निमंत्रण दे दिए, आप आइए खाइए रहिए, तो आएंगे तो समस्या तो होगी। ठीक, तो एक इसको आप बंद करिए एकदम से। अगर आप फ्रिज में आटा रख देते हैं या कहीं भी आटा लगा कर रात में रख देते हैं, सुबह बनता है, ये काम बंद कर दीजिए एकदम से। ठीक है, हाँ, दिन का आटा है और जैसे आप दोपहर में 1 बजे 2 बजे बना रही हैं उसको रख दीजिए, 3 बजे 4 बजे यदि बना सके तो बना लीजिए। लेकिन ये नहीं कि रख दीजिए, आज रख दिए अब कल बनेगा, ऐसा नहीं है। ये भी एक बड़ा प्रभाव होता है पितृदोष को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ पितृदोष यदि है तो उसको कम करने के जो सरल तरीके हैं उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। सरल तरीके क्या है, प्रतिदिन गैया को आप रोटी खिलाइए, जो भी आपके यहाँ रोटी दाल चावल इत्यादि बने गाय को पहले दीजिए, इससे भी पितृदोष आपके यहाँ कम होगा। ठीक, ब्राह्मण आप सप्ताह में प्रतिदिन महीने में 2 महीने में जब आप हो सके वैदिक ब्राह्मण को बुलाइए, जो संध्या गायत्री इत्यादि करता हो, नशा पानी इत्यादि ना करता हो, पता चला हुक्का लगा के बम भोले कर रहे हो, बढ़िया बाटल ले रहे हो, ऐसे ब्राह्मण को नहीं, जो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हो ऐसे पंडित जी को, ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए और उनको भोजन जिमाइए, इससे भी आपके यहाँ पितृदोष कम होगा। ठीक है, भगवान नारायण की तुलसी के अधिक से अधिक सेवा करिए, इससे आपके यहाँ पितृदोष की कमी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र, इसका जप करिए, पितृ गायत्री इसका जप करिए, और इसके साथ साथ घर में थोड़ा सा हरि संकीर्तन भगवान का नाम स्मरण हमेशा करते रहिए, इससे भी पितृदोष में कमी आती है। ठीक है, पितृदोष दूर करने का और भी कई तरीके हैं, ये तो फ्री वाले थे, इसके बाद पैसा लगा करके पितृपक्ष में, पितृपक्ष के बाद किसी भी समय पितृपक्ष में विशेष हो जाता है ये सब उपाय करना, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का बढ़िया पाठ करवाइए किसी से, संकल्प पूर्वक आप पितरों की शांति के लिए, पितरों को स्वर्ग आदि लोक प्राप्ति के लिए, मोक्ष इत्यादि के लिए आप संकल्प पूर्वक श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण करवाइए, पाठ करवाइए। ठीक, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए पिंडदान करिए। कौन सा पिंडदान करें, कौन सा श्राद्ध करें, तो यहाँ पर पारवण श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि यह 16 दिन जो पितृपक्ष का होता है ये हमारे पितरों का क्या होता है, पर्व होता है, इसलिए पारवण श्राद्ध किया जाता है। ठीक है, अगर आप वास्तव में ग्रसित हैं पितृदोष से, आपको लग रहा है, तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। त्रिपिंडी श्राद्ध बढ़िया गंगा इत्यादि नदियों के किनारे आप यहाँ प्रयागराज में भी कर सकते हैं, मैं प्रयाग से हूँ, इसके लिए आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, यहाँ सभी दी आपका बढ़िया करवा दिया जाता है। पितृदोष के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध बहुत उत्तम कार्य है। त्रिपिंडी श्राद्ध के साथ जैसे आपको बताया श्रीमद् भागवत जी का पाठ आप करवा सकते हैं, और यदि किसी एक विशेष व्यक्ति के कारण आपको लग रहा है कि इसको मोक्ष इत्यादि नहीं प्राप्त हुआ, प्रेत इत्यादि योनि में चला गया, हमारे चाचा नाना दादा कोई भी एक व्यक्ति अगर आपको लग रहा है, उसके लिए नारायण बलि श्राद्ध सविधि करवाइए, उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। ठीक, तो प्रयागराज की पुण्य पावन धरा में वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ये कार्य संपन्न करवाया जाता है। आप दिए गए नंबर के व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी छोटी सी बुद्धि में जो थोड़ी बहुत जानकारी थी वो आपको देने का प्रयास किया। इसी प्रकार के और अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेने के लिए जुड़े रहिए गोपाल पंडित जी यूट्यूब चैनल के साथ। फिर मिलता हूँ किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।